वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आए हैं डेमोस्फीयर में, जो पुणे से हार्डली 58 टू 59 किलोमीटर है, और यहाँ पे पहुँचने तक का रास्ता काफी मस्त है। मतलब आप देख सकते हो रोड की कंडीशन काफी सही है, और ये जो लोकेशन है डेमोस्फीयर का वो भी बहुत जबरदस्त है। और लेट मी शो यू द टेंट, टेंट बहुत ही कमाल का है। वैसे तो ये जगह छोटी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही क्यूट है, और टेंट तो बहुत ही क्यूट है। चलो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इससे पहले यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, जहाँ पे वैसे तो हमने नीचे बैठ के एंजॉय किया है। अब मैं चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरा टेंट। ये वैसे शू रैक है, ये है हमारा टेंट। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर बहुत सुंदर है। तो ये देखो, ये है हमारा टेंट। वैसे हम लोग थोड़े मैसी है, तो थोड़ा मैस है यहाँ पे। और इनका सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप यहाँ पे आते हो, ये लोग आपके लिए एक बोर्ड रेडी करते हैं, जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, एंड दे वेलकम यू इन दिस मैनर, विच आई फाउंड रियली वेरी यूनिक एंड नाइस। आप देख सकते हो ऊपर एक बहुत ही क्यूट सा शैंडलियर है, और यहाँ पे एसी भी है, इसलिए ये समर के लिए, विंटर के लिए, इनफैक्ट रेनी सीजन के लिए भी काफी अच्छा है। यूजुअली नहीं तो टेंट्स खराब हो जाते हैं, रेनी सीजन में यूजुअली होते ही नहीं है, तो यहाँ पे आप तीनों भी सीजन एंजॉय कर सकते हो। वैसे तो ये टेंट काफी इक्विप्ड है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी और बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी है। और द बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये है जहाँ पे आपके नाम के साथ आपको वेलकम किया जाता है, जो काफ़ी यूनिक है। और यहाँ के वॉशरूम्स भी अच्छे हैं। तो ये है हमारा वॉशरूम, जो काफ़ी क्लीन है। ये अटैच्ड है इसके साथ, ये टेंट के साथ। वैसे तो यहाँ का चेक इन टाइम होता है 4 PM, बट हम पहुंचे थे ऑलमोस्ट 6 PM। बट जैसे समर सीजन था, इसके वजह से वी वर एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल सनसेट। और ये जगह जैसे कि मैंने आपको बताई एकदम डैम पे है, तो द व्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस इज रियली वेरी अमेजिंग। तो चलो अब एक्सप्लोर करते हैं ये जगह को, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर अरेंजमेंट है, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, गाने सुन सकते हो, या अपना बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हो, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। और द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे गेम्स भी है, और अगर आपको ग्लैम्पिंग टेंट्स में नहीं रहना, तो यहाँ पे कैंपिंग टेंट्स भी है। और इसका जो लोकेशन है, उसके वजह से आप यहाँ पे कहीं भी बैठो एंड स्टिल यू आर गोइंग टू एंजॉय द डैम एंड एज वेल एज द ब्यूटिफुल सीनरी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। वैसे ये कैंपिंग टेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, हमें वी डोंट यूजुअली प्रेफर बिकॉज ऑफ आर बैक पेन, बट एज यू कैन सी देयर इज अ बोर्ड, तो अगर उसके बेस पे ऐसे बोर्ड है देन इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी गुड। सो इफ पीपल वांट टू एंजॉय कैंपिंग टेंट्स, देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस, एंड दिस टेंट्स आर ऑल्सो रियली इन वेरी गुड कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने क्लीनलीनेस काफ़ी देखा है, सो दैट्स द रीज़न आई वुड रियली सजेस्ट दैट यू कैन प्रेफर एनी ऑफ द टेंट्स, ईदर ग्लैम्पिंग और कैंपिंग टेंट्स। यहाँ पे ऊपर है डाइनिंग एरिया, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि वहां से भी जो व्यू आता है वो भी बहुत सुंदर है। वैसे आप यहाँ पे डैम पे भी जा सकते हो, उन्होंने एक छोटी सी सीढ़ी यहाँ पे रखी है, जो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि हमने चेक इन किया है, जैसे आप चेक इन करते हो, द फर्स्ट थिंग दे सर्व यू इज अ फ्रूट डिश एंड अ ब्यूटिफुल वेलकम बोर्ड, दिस इज इंक्लूडेड इन योर पैकेज, और इसके साथ इवनिंग स्नैक्स भी आते हैं। वी एंजॉयड द फ्रूट डिश बाय सिटिंग राइट आउटसाइड आवर टेंट
and enjoying this beautiful sunset. However, you can sit anywhere on this property. There are a few sitting areas, as well as if you want, you can sit in their dining area. After some time, they served us evening snacks, which is included corn tikki and tea. रात में ये जगह बहुत ही ज्यादा मैजिकल हो जाती है. जिस तरीके से इन लोगों ने लाइटिंग की है वो देख के बहुत ही सुंदर लगता है. तो चलो, अब हमारा बारबेक्यू रेडी हो रहा है. दिस इज ऑल्सो एज आई मेंशनड इंक्लूडेड इन पैकेज. ऑल द मील्स विच एवर यू टेक ओवर हियर आर इंक्लूडेड इन द पैकेज. पैकेज की डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी. हमारा बारबेक्यू अब रेडी हो चुका है. यू गेट टू ऑप्शंस, वेज नॉन वेज, और ट्रस्ट मी यहाँ की टेस्ट बहुत ही अच्छी है. Well, now it's dinner time. और डिनर के लिए हम आएंगे अब डाइनिंग एरिया में. तो ये है डाइनिंग एरिया. आप देख सकते हो ये काफी ऊंचे जगह पे बना हुआ है, which gives you a very good feel. यहाँ से अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, but it really feels very good by standing over here. कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से व्यू कितना मस्त है. We had our dinner and dinner was also very good. I would say overall food quality is really awesome. Next day in the morning, we got up to this beautiful view from our tent. Let me show you. The view from here is really very awesome. Aaj itni dhoop nahi thi. It was like little bit cloudy weather and that's why it was so nice, cold and breezy. Then we again went to the dining area for our morning breakfast. To aap dekh sakte ho, ये डाइनिंग एरिया से जो व्यू है दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ऑसम. जस्ट चेक आउट द व्यू. इसकी जो हाइट है इसके वजह से इट फील्स सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी द होल डैम राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. देन वी हैड आवर ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज. After enjoying such a tasty breakfast, we decided to walk by the dam now. यहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ी है जहाँ से आप नीचे डैम की तरफ जा सकते हो. समर सीजन के वजह से पानी यहाँ तक है. अदरवाइज ड्यूरिंग विंटर्स और ड्यूरिंग रेनी सीजन पानी ऑलमोस्ट जहाँ पे वो स्टेयरकेस थे वहां तक आता है. एंड देन द व्यू इज रियली ऑसम. तो चलो अब बात करते हैं यहाँ के पैकेज की. यहाँ पे दो पैकेजेस है, एक है वीकडेज के लिए और एक है वीकेंड्स के लिए. वीकडेज में यहाँ पे फॉर कपल 5,500 रुपीज चार्जेस होते हैं एंड विच इंक्लूड्स ऑल द मील्स. और वीकेंड्स में यही पैकेज 6,500 रुपीज का हो जाता है. दैट विल ऑल्सो इंक्लूड ऑल द मील्स. इस जगह की सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट. और यहाँ पे हमने जो भी मस्ती की है वो अभी आपको देखने मिलने वाली है मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है दर्शन सेवक वीलॉग्स. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट ऑल्सो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज विच गोज बाय द सेम नेम, निकी डिटेल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.